Hey guys, what's up? This is Shivaram from eGadgets4u. दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात कर लेंगे OnePlus 6T के ऊपर। हाँ दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है कि OnePlus साल में दो फ्लैगशिप मॉडल्स लाता है और इस साल ऑलरेडी कंफर्मेशंस ऐसे आ चुका है कि बाय अक्टूबर 6T लॉन्च हो जाएगा। बहुत सारे लीक्स, बहुत सारे स्पेक्यूलेशंस और बहुत सारे कंफर्म फीचर्स भी आया है हम लोग के सामने। सो विदाउट फर्दर एडू लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों OnePlus 6T के बारे में पहले बात करने से पहले जो बात है वो है Vivo और Oppo। ट्रेंड अगर देखा जाए और रियलिटी अगर चेक करें तो Vivo, Oppo, OnePlus ये तीनों ही हैंडसेट एक ही पेरेंट कंपनी से बिलोंग करता है जो कि है BBK इलेक्ट्रॉनिक्स। BBK इलेक्ट्रॉनिक्स प्रमोशंस, मार्केटिंग सब कुछ देखता है ये तीनों हैंडसेट के। पहले भी हम लोग देख चुके थे कि Vivo या फिर Oppo की जो लेटेस्ट हैंडसेट आता है फ्लैगशिप मॉडल्स पे लगभग उसी की तरह डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी होता है OnePlus की। अगर बात करें Oppo F9 Pro की जो कि ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है तो वहां पे आप देख सकते हो कि रेन ड्रॉप नॉच जैसे दिखता है। स्पेक्यूलेशंस ऐसा ही है कि OnePlus 6T में जो नॉच होगा वो भी रेन ड्रॉप जैसे होगा। रेन ड्रॉप नॉच मतलब जैसे कि आप इमेज में देख सकते हो ऐसे एक नॉच आएगा जहां पे सिर्फ फ्रंट कैमरा होल्ड करेगा, बाकी सारी चीज नॉचेस में आएगा। अब दोस्तों स्पेक्यूलेशन ऐसा भी था क्योंकि Vivo Nex और Oppo Find X में स्लाइडिंग मोटर से कैमरास आता था, हो सकता है OnePlus 6T भी ये मोटर कैमरा या फिर मोटराइज्ड कैमरा आएगा। उतना सारा स्पेक्यूलेशंस तो है नहीं है, कंफर्मेशन से कुछ आया नहीं है, लेकिन ये जरूर बता सकते हैं कि शायद सिनेरियो ऐसा होगा कि अगर रेन ड्रॉप नॉच आता है OnePlus 6T में तो फ्रंट कैमरा में ये मोटर स्लाइडर आएगा ही नहीं। और स्पेक्यूलेशंस या फिर लीक्स ऐसा ही आया है कि पीछे का जो कैमरा है वहां पे तीन कैमरा रहेगा, जैसे डुअल कैमरा सेटअप था OnePlus 6 में या फिर OnePlus 5T में हॉरिजॉन्टली डुअल कैमरा सेटअप था, लेकिन OnePlus 6T में ऐसा लग रहा है कि तीनों कैमरा आएगा। हाँ दोस्तों, तीनों कैमरा की मदद से और बेहतर होने वाला है कैमरा एक्सपीरियंस इन OnePlus 6T। वैसे अगर देखा जाए तो OnePlus 6 जो कि मैं ऑफिशियली यूज कर रहा हूँ, ऑब्वियसली ये मेरा प्राइमरी स्मार्टफोन है, अभी बहुत ही फास्ट स्मार्टफोन है और बहुत ही क्विक है। ऑब्वियसली परफॉर्मेंस हाई लेवल टॉप नॉच क्वालिटी का है। अगर बात करते हैं बाकी फ्लैगशिप फोन्स की तो शायद कैमरा में थोड़ा फ्लैगशिप फोन्स में थोड़ा अंतर है। ऑब्वियसली डोंट गेट मी रॉन्ग, OnePlus 6 का कैमरा बहुत ही अच्छा है। ऐसा लग रहा है कि OnePlus 6T में कैमरा को एड्रेस करने के लिए भी ये पीछे तीनों कैमरा ला रहा है ताकि और बेहतर बना सके अपना इमेज क्वालिटी OnePlus। अब दोस्तों बाकी चीज़ों के बारे में अगर बात करें तो ऑब्वियसली Qualcomm Snapdragon 845 का चिपसेट ही रहेगा क्योंकि 855 का जो चिपसेट है वो रिलीज होने जा रहा है टुवर्ड्स द स्टार्टिंग ऑफ 2019, तो ऑब्वियसली 845 का चिपसेट ही रहेगा। रैम के मामले में भी 6GB और 8GB जैसे होता आया है OnePlus में वैसा ही दो वेरिएशंस आएगा। शायद इंटरनल मेमोरी स्टोरेज में 64 गीग्स अब नहीं रहेगा, 128 गीग्स हो जाएगा बेस वेरिएंट और 512GB का एक वेरिएंट ऑब्वियसली आएगा ही आएगा। अब दोस्तों बात करते हैं बैटरी की। ऑब्वियसली डैश चार्जर, क्विक चार्जिंग आता है OnePlus की OnePlus के हर एक हैंडसेट में। OnePlus 6 का बैटरी विथ कैपेसिटी भी लगभग ठीक ठाक ही है, एक अच्छा ही है, लेकिन दोस्तों क्योंकि जैसे Samsung Galaxy Note 9 में आपको 4000 mAh बैटरी आ रहा है, ऐसा सुनने में आया है कि शायद OnePlus 6T में भी 4000 mAh बैटरी आएगा विद डैश चार्जिंग, तो ऑब्वियसली बैटरी के मामले में ये कमाल हो जाएगा। वायरलेस चार्जिंग भी आ सकता है क्योंकि ऑब्वियसली ग्लास बैक कवर तो वो लोग दे ही दिया है OnePlus 6 में, OnePlus 6T में भी वैसे ही रहेगा। हो सकता है वायरलेस चार्जिंग या फिर नहीं हो, ये अभी भी कंफ्यूजन्स ऐसा ही है, लेकिन गारंटी के साथ कुछ नहीं कह सकते। एंड ऑब्वियसली डिस्प्ले के मामले में फुल HD+ ही डिस्प्ले मिलेगा क्योंकि OnePlus का ऑफिशियल कंफर्मेशन ये आया है कि वो लोग मानता है कि फुल HD+ डिस्प्ले इन अ स्मार्टफोन मोर देन एनफ है और ये बहुत अच्छा डिस्प्ले आता है। ऑब्वियसली अगर बात करते हैं OnePlus 6 की तो इसका जो डिस्प्ले है बहुत ही अच्छा है, वाइब्रेंट है, कलर रिप्रोडक्शन लेवल, सैचुरेशन लेवल्स बहुत अच्छा है, ब्राइट सनशाइन में अडैप्टिव ब्राइटनेस बहुत अच्छा काम करता है, तो इसमें कोई दिक्कत होता नहीं है। वैसे दोस्तों एंड्रॉइड OS की बात करें तो ऑब्वियसली एंड्रॉइड 9 पाई स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स आपको मिल जाएगा OnePlus 6T में। वैसे OnePlus 6 में भी ये अपडेट रोल आउट होगा बहुत जल्द एंड ऑब्वियसली आउट ऑफ द बॉक्स OnePlus 6T में एंड्रॉइड पाई होगा ही होगा। दोस्तों सबसे बड़ा यूएसपी या फिर सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो कि होने वाला है OnePlus 6T में वो है इन स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर्स। Obviously Vivo and Oppo already ये बना चुका है and OnePlus जरूर लाएगा OnePlus 6T में इन स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर्स, ये यूएसपी रहेगा OnePlus 6T का दोस्तों। तो दोस्तों यही सारे लीक्स अभी तक आया है। अब दोस्तों यहाँ पे दो क्वेश्चंस आता है, पहले तो लॉन्च के बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि वर्ल्ड वाइड वेरिएशन पे शायद अक्टूबर तक ही आ जाएगा, लेकिन अगर ट्रेंड देखा जाए तो लगभग 21 नवंबर तक टी वेरिएशन लॉन्च होता है इंडिया में। हो सकता है 21 नवंबर फिर से आपको मिल जाएगा OnePlus 6T इन 2018। अब लास्टली जो क्वेश्चन है वो है प्राइसिंग। प्राइसिंग के मामले में ऐसा सुनने में आया है कि थोड़ा बहुत एस्केलेट होगा प्राइस फ्रॉम दैट ऑफ OnePlus 6, $550 जो कि राउंड अप होता है 39,000 रुपीज के आसपास। ऐसे कुछ प्राइसिंग हो सकता है OnePlus 6T का। बहुत एंटिसिपेटेड फोन है, बहुत एंटिसिपेटेड कंपनी है वैसे इंडिया में भी, क्योंकि ऑब्वियसली आप सभी को पता है, जैसे मैं पहले भी एक टेक न्यूज में बताया था कि OnePlus ऑलरेडी काउंटर कर चुका है Samsung को इन फ्लैगशिप कैटेगरी इन इंडिया फॉर द लास्ट क्वार्टर। सो ये बहुत बड़ा न्यूज है, हाई एंटिसिपेशन से OnePlus 6T से देखना पड़ेगा विद टाइम जब ऑफिशियली अनवील होने जाएगा OnePlus 6T। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन का बेल है उसको भी ऑन करके रखना ताकि आपको नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं मेरे चैनल पे। तो होप सो ये वीडियो हेल्पफुल रहा आप सभी के लिए। जितना हो सके इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए सभी के साथ, क्योंकि नॉलेज और इन्फॉर्मेशन सभी के साथ बढ़ना चाहिए। सो दैट विल बी इट गाइस, बाय फॉर नाउ।